नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 247 लाइव टीवी। मैं आपके साथ दीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। जी आपको बता दें कि लखनऊ के भूतनाथ में अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के कर्मचारियों पर हमले का मामला अब तोल पकड़ चुका। वहीं नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी गई, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों कर्मचारियों पर हमला किया गया था। भूतनाथ मार्केट में पटरी दुकानदारों ने नगर निगम कर्मचारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हमले में नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि भूतनाथ मार्केट में व्यापारी और नगर निगम में मारपीट को लेकर डीसीपी चिनप्पा ने कहा कि नगर निगम सर्वे करने गई थी, उसके बाद वहां मारपीट हुई। इस संबंध में तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही डीसीपी ने कहा कि किसी दुकान को हटाने गए थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, इससे दुकानदार को लगा कि दुकान हटा रहे, इसी बात को लेकर विवाद हुआ। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि भूतनाथ मार्केट में व्यापारी और नगर निगम कर्मचारियों के बीच मारपीट को लेकर आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि भूतनाथ मार्केट में नगर निगम कर्मचारियों पर रमन दुबे के दबंग व उसकी पूरी टीम ने मिलकर हमला किया है। वही कर्मचारियों को बचाने के लिए जब दो व्यापारी पहुंचे उन पर भी हमला किया गया। वही व्यापारियों की तरफ से तहरीर दी गई। संजय गुप्ता ने चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की। अगर उन्होंने कहा है कि अगर चौकी इंचार्ज को हटाया नहीं गया तो व्यापारी सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। वही रमन दुबे नाम के व्यक्ति ने हमला किया, जो कि दबंग है और अवैध अतिक्रमण करता है और पटरी दुकानदारों से अवैध वसूली।